सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार गेम प्ले वीडियो में। आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं मार्वल एवेंजर्स। और 5 साल पहले भाई एक बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, जिसमें भाई मार्वल एवेंजर्स और उनकी पूरी टीम है भाई वो पता नहीं कहाँ गायब हो गए, और कैप्टन अमेरिका की उसमें डेथ हो गई। और हम भाई तब फिर उसके बाद जो है उसके एम के सर्वर में घुसे डॉक्टर चार्ल्स ने, जिसे बनाया था एवेंजर्स के जाने के बाद, जिस कंपनी मतलब जिस सोसाइटी को, उस सोसाइटी के बारे में तब हमें पता चला कि डॉक्टर चार्ल्स ने भाई मार्वल एवेंजर्स में यानी जितने भी एवेंजर्स हैं उन सभी को फंसाया है। और कैप्टन अमेरिका की डेथ में भी उसकी का हाथ है, उसने ही कैप्टन अमेरिका को भाई उस शिप के अंदर मतलब लॉक किया था, और उसके बाद वो शिप को ब्लास्ट कर दिया था, जिसके अंदर पूरे शहर में वायरस फैल गया। और पूरे शहर में वायरस फैलने के बाद बहुत सारे लोग मारे गए, और उस सभी का सबूत हमारे पास पेन ड्राइव में है। और जो है कैप्टन अमेरिका है, पता नहीं भाई किसने हमें यहाँ पर बुलाया है उस सबूत को लेकर आने के लिए, वो कहा है, और उसने कोड वर्ड कहा है हमें टाइनी डांसर। तो हम कैप्टन अमेरिका के स्टैचू के पास आ चुके हैं, और यहीं पर हमें वो बंदा मिलना चाहिए। हाँ, कोई तो है यहाँ पर, ये आई थिंक कैंडल वेंडल जला रहा है कैप्टन अमेरिका के यहाँ पर। मार्वल एवेंजर्स में यानी एवेंजर्स की टीम में से कोई हो तो बेटर है, और मुझे लग सकता है कि डॉक्टर चार्ल्स भी ये सब कुछ कर सकते हैं। तो डॉक्टर चार्ल्स से भी हमें बिल्कुल संभल कर रहना होगा, कहीं उन्होंने तो ही हमें यहाँ पर नहीं फंसा दिया, तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना होगा। तो 3 छिछोरे आए हैं भाई, देखते हैं ये क्या करेंगे यहाँ पर। तो ये बंदा जा रहा है, ये तो थोड़ा शरीफ सा लग रहा है, हमें लगता तो नहीं है ये बंदा होगा वो, लेकिन अभी चेक करते हैं आगे क्या होगा। ये टोपू वाला तो भाई इसे परेशान कर रहा है, ड्रिंक व्रिंक दारू वारू पीने के लिए बोल रहा है। भाई जाने दे उसे घर को, वो छोटा मोटा बच्चा है यार, जीने दे उसे, ये नहीं मानने वाला भाई। ये तीनों मिलकर इसे पीटेंगे, मेरे को लग तो यही रहा है। कमाला खान बोल रही है निकल ले भाई वहां से, निकल ले। अभी देखते हैं भाई ये क्या करता है। ओके भाई, ये गुस्सा हो गया है क्योंकि इन सभी लोगों को लगता है कि कैप्टन अमेरिका और मार्वल एवेंजर्स ने ही मिलकर भाई उन सभी लोगों को मारा है, लेकिन असलियत ऐसी नहीं है। इस सब के पीछे डॉक्टर चार्ल्स है। ये बंदा भाई से खाम खा मारा, मतलब बिना बात पीट रहा है भाई। कमाला खान आ गई है उसकी साइड में, अभी देखते हैं क्या होता है। ओके, कमाला खान सपोर्ट कर रही है। ये क्या, ये दूसरा बंदा भाई, ये कुछ ज्यादा बोल रहा है, इसकी इसकी हड्डियाँ तोड़नी पड़ेगी। ये टॉप, अरे ये घर जाना चाहता है। इसका भाई भी वहीं पर था जब वो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, और इसका भाई भी मारा गया है। और भाई इस वजह से ये भाई बहुत ज्यादा गुस्सा है, और जो कोई भी यहाँ पर आता है उसे भगा देता है ये। ओ तेरी की, ये तो मार रहा है। कमाला खान ने फाइनली भाई इस पिद्दू को बचा लिया है। ओ शिट, तो अब इसके बाद भाई एडे को पता चल जाएगा यहाँ पर किसी ने पावर शूज की है। हम भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम में पड़ने वाले हैं, हमें यहाँ से भागना होगा जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। और ये वो मंदा है, वो शायद रखता है शायद इसे वो कोड बोलते हैं टाइनी डांसर। आई थिंक हमें वो पेंट्राइव दिखानी चाहिए, चेक कर ले भाई यही पेंट्राइव नहीं है। अरे नहीं, आई थिंक ये वो बंदा नहीं है। और तेरी की एडी कंपनी यानी एम्स कंपनी ने हमें यहाँ पर फंसा दिया है भाई। रोबोट्स आ चुके हैं, हमें यहाँ से बचकर निकलना होगा। मुझे उन सीढ़ियों के वहाँ से रास्ता दिख रहा है, तो वहाँ पर चलते हैं जल्द से जल्द उन रोबोट्स के आने से पहले। हमें भागना होगा यहाँ पे, मुझे लगता है कि भाई पूरे एडे कंपनी ने मतलब एम्स कंपनी ने अपने सारे रोबोट यहीं पर भेज दिए हैं। रुकना होगा, 3-4 रोबोट सामने की साइड से आ रहे हैं, इन्हें यहाँ से जाने देते हैं, उसके बाद हम यहाँ से क्रॉस करेंगे। कि यहाँ पर कैप्टन, ये तो ब्लैक विडो का स्टैचू है। अब हम उसके अपोजिट साइड से निकल लेते हैं यहाँ से पीछे से, जल्दी भग ले कमाला। ओ तेरी की, यहाँ पर 3-4 रोबोट और। मेरे को यहाँ से उस दूसरे बैरिकेड के पीछे चलते हैं, वो वहाँ पर है, इस साइड एक है, हम इससे आसानी से बच सकते हैं, वहाँ पर थोड़े ज़्यादा हैं। तो यहाँ से निकलते हैं, एक रोबोट को थोड़ा शक हो गया है, तो जल्दी जल्दी निकलते हैं यहाँ से। यहाँ पर ये इसे थोड़ा टर्न होने देते हैं, और कोई दूसरी तरफ से रोबोट नहीं आ रहा है, अभी निकलते हैं यहाँ से। ये मारा जंप, अरे ये क्या, आग सामने की साइड तो और भी ज़्यादा रोबोट हैं। इस बैरिकेड के पीछे आते हैं, और ये बंदा यहाँ पर है, हम इस पेड़ की साइड से निकल सकते हैं। अरे एक रोबोट को फिर से सब तो हो गया है, जल्दी भागो जल्दी भागो जल्दी भागो। अरे ये क्या, भाई कमाला खान बेकार में यहाँ पर फंस गई। ये क्या, वो रोबोट तो चले जा गए हैं दूसरी तरफ, अभी शायद हम निकल सकते हैं यहाँ से इस तरफ।
एक रोबोट को शक हो गया है तो हम दूसरी साइड इस बैरिकेड के पीछे छुप जाते हैं। वो आ रहा है यहाँ पर चेक करने के लिए, अगर भाई उसमें पता चला तो हम भाई फंस जाएंगे। अभी दूसरी साइड निकल जाते हैं, इस पेड़ के नीचे से यहाँ से निकल सकते हैं। फाइनली यहाँ से तो हम बच गए हैं, अभी इन सीढ़ियों की साइड से आगे बढ़ते हैं। जल्दी चलो, दूसरी साइड है। अरे वो रोबोट को पता चल गया, उसने हमारा DNA चेक किया है। हमें दूसरी तरफ जाना होगा, ये थोर का स्टैचू है यहाँ पर। हमें इन सीवर्स से निकलना होगा। यहाँ पे तो भाई बहुत ज़्यादा गंदगी होगी क्योंकि भाई पूरे शहर का कचरा है यहाँ पर। वहाँ पर सामने रोबोट खड़ा है, तो कुछ देर के लिए हम यहाँ पर छिप जाते हैं, उस रोबोट के जाने के बाद निकलते हैं आगे। अरे यार बहुत गंदी जगह पर घुस गए अभी हम। कोई बात नहीं भाई, इस नाले से निकलते हैं आगे की तरफ। इसने जो स्टोरी लिखी थी कुछ वैसा ही है। जल्दी जल्दी भाग के निकलते हैं, अभी शायद हम बच जाएंगे। अभी ये क्या, ये तो बहुत ही ज़्यादा गंदा है। अरे ये क्या, दूसरी साइड से लाइट आ रही है, यानी रोबोट यहाँ पर नीचे भी आ गए हैं। हमें यहाँ से निकलना होगा। वो रहे रोबोट, यहाँ से निकलते हैं। अब यहाँ से लेते हैं लेफ्ट। ऊपर से भाई वो कटिंग कर कर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि हम जितना यहाँ पर रुकेंगे उतना हमारे फंसने के चांसेस हैं। ये क्या, सामने की साइड रोबोट है, दूसरी साइड भागते हैं। जल्दी करो जल्दी करो, उस साइड से रोबोट आ रहे हैं, इस साइड चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, अरे ये क्या, दूसरी साइड रोबोट, यहाँ पे भी रोबोट, हम फंस गए हैं दूसरी साइड। अरे यार इन्होंने पकड़ लिया। अभी हमें दोबारा ट्राई करना होगा। हम वापस आ चुके हैं टनल्स में। अब की बार भाई मैं वहाँ पर नहीं फंसने वाला हूँ, सामने से रोबोट आने वाला है। अभी हम मुड़ेंगे यहाँ पर, और यहाँ से हमें इन स्टेयर से चलना है वो दूसरी साइड। अभी मेरे को ध्यान से आगे बढ़ना होगा, कहीं आगे सामने, ये क्या, सामने की साइड से वो भाई वो कट कर रहा है, तो यहाँ से हमें इसे रिमूव करना है। और ये रहा रास्ता, हम यहाँ से निकल सकते हैं। ये क्या, ये तो खतरनाक भाई, टेलीपोर्ट होने वाले ह्यूमंस को भी भेजा है उन्होंने हमें ढूंढने के लिए। ये क्या, यहाँ से हम निकल सकते हैं, तो हमें यहाँ से भागना होगा। जंप, यहाँ पर हमारी सुपर स्ट्रेंथ काम आएगी। यहाँ पे एक जंप, और ये लंबा हाथ किया पकड़ और ऊपर, बस अभी हम बाहर निकल जाएंगे, अभी हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। ये रहा, इस साइड से जाना है हमें, यहाँ से ऊपर चढ़ सकता हूँ, नहीं दूसरी तरफ चलना चाहिए। ये यहाँ से क्लाइम करते हैं और फिर सीधा हम निकल जाएंगे बाहर। फाइनली भाई इन गंदे सीवर से तो हमारा पीछा छूटा, निकलते हैं अभी बाहर। ये हटाया गटर का ढक्कन और हम हुए गटर से अभी बाहर। अरे ये क्या भाई, इसने हमें इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया। अब ये पता नहीं भाई कौन था भाई, अगर मेरे सामने आ जाएगा तो उसकी गुद्दी तोड़ दूँ। अभी हम शायद पता नहीं कहाँ पर हैं, अभी हम बेहोश हैं, हम किसी गाड़ी के अंदर हैं हम। Oh good, you're awake. ये क्या, I'm so sorry. ये तो डॉक्टर चार्ल्स है, इसके खोपड़े को क्या हो गया भाई? ये Stealing private information is a serious offense. ये मोनिका है और ये एम्स कंपनी के ही दोनों हैं, और ये बोल रही है कि तुमने प्राइवेट इंफॉर्मेशन चुराई है और ये गैर कानूनी है, और इन्हें शायद पता नहीं हमें क्या चुराया है। ये क्या, डॉक्टर चार्ल्स भाई अपने आप को अंधेरे में छुपा रहा है, यानी ये, हाँ ये भाई इसका खोपड़ा कुछ हो गया, अजीब सा, ये थोड़ा बीमार हो गया, पता नहीं इसको क्या हो गया है। ऑक्सीजन लगा ले भाई, दो दिन अगर ऐसे ही खांसेगा तो मर जाएगा, फेफड़े बाहर आ जाएंगे। डॉक्टर चार्ल्सन, इसे भी पता चल गया डॉक्टर चार्ल्सटन। ये भाई ये पूछ रहे हैं तुमने हमारा सर्वर क्यों हैक किया है, तुम क्या ढूंढ रही थी हमारे सर्वर में, यानी कि इन्हें पता नहीं हमने क्या चुराया है, यानी ये हमारे लिए भाई, हम शायद बच सकते हैं। So, ये बोल रहे हैं कि जितने भी पावरफुल लोग हैं उन सभी से हम बच सकते हैं एम्स की वजह से। A-Day was a prime example. You are lucky to be alive.
ये एम कंपनी वाले एडिव वाले बोल रहे हैं कि तुम बहुत लकी हो जो बच गई हो, तुम्हें ऐसे टेक्नोलॉजी नहीं चुरानी है, तुम हमें वो डाटा दे दो, हम फिर तुम्हें हम जाने देंगे और एक नॉर्मल लाइफ जी पाओगे। अरे क्यों फद्दू बना रहा है भाई, बेवकूफ बना रहा है ये तो। तो ये बोल रही है Her infection must be getting worse. What? Oh, I didn't mean to hurt anyone. Oh shit, bhai. Of course not. But what happens when you lose control again? Bhai, isne apni powers ka use kiya tha aur uski power use hone se bhai kuch log wo ho gaye hain. Someone that you love. Aur uske baad bhai even the Avengers had to suffer for this. Ye se mentally bhai wo karne ki koshish kar raha hai, pressurize ki shayad ye wo data de de. Were you there? अभी भाई कमाला खान, I mean, when Cap died. कैप्टन अमेरिका मरे तब क्या तुम वहीं पर थे? Yes. Luckily, Monica found me on ये मोनिका ने कमांड दी, तुम भाई वहां पर आर्क रिएक्टर रूम में थे जब बॉल बम ब्लास्ट हुआ। झूठ बोल रहा है ये तो सरेआम, yes? सरेआम झूठ बोल रहा है भाई ये तो। Help you. नहीं नहीं पेन ड्राइव नहीं देना। I'll take my chances. वो बहुत बड़ी है। भाग गई कमाला खान। So finally guys, हम वहां से बच गए हैं। So ये छोटी सी छोटी नहीं थोड़ी बड़ी वीडियो हो गई, लेकिन ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताना। ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग।